निगम कर्मी के गले में चाकू से हमला कर किया जानलेवा हमला। प्रदेश सरकार के निर्देश पर भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर भूमाफिया अब कार्रवाई करने वाले निगम कर्मियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसी ही एक घटना जबलपुर में सामने आई है, जहां पर माल गोदाम के पास पिछले 3 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के दस्ते पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया था, जिस पर नामजद मामला अतिक्रमण प्रभारी राजू रैकवार ने थाना सिविल लाइन में दर्ज करवाया था, जिससे माल गोदाम में रहने वाले चंदन और श्याम ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेलवे पुल नंबर 1 के पास घात लगाकर निगम कर्मी राजू रैकवार पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे राजू के गले में गंभीर चोट पहुंची, जिसे पहले तो पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर हालात गंभीर होने के चलते घायल राजू को जबलपुर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां पर भी निगम कर्मी राजू की हालत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं इस घटना की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ नगर निगम आयुक्त राकेश अयाची और नगर निगम कर्मचारी नेता सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मी निजी अस्पताल में जमा हो गए और लगातार हो रही निगम कर्मियों के साथ मारपीट की घटना का विरोध जताते हुए शनिवार को नगर निगम पूरी तरह बंद कर दिया। जानलेवा हमला किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हमारे कर्मचारियों के साथ, खासकर ये लोग फील्ड में काम करते हैं, अनेकों बार ये हमले हुए और हम हर बार यही बात करते आए हैं कि जब तक हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी हम काम बंद कर देंगे। तो कम से कम शासन को इस स्तर पर कार्रवाई निश्चित रूप से करना होगी कि हम लोग को कुछ इस तरह के अधिकार तो दिए जाए ना, कि हमारा कर्मचारी सिर्फ पिटता रहे, हम शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करें, पूरे शहर की सेवा करें, तो डबल मार खाता है हमारा कर्मचारी। मान लीजिए आज कर्मचारी को हमारा आदेश मिलता है कि आप जाइए और अतिक्रमण हटाइए, वो नहीं जाता तो सस्पेंशन की कार्रवाई होती, वो जाता है तो ये मारपीट होती है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और हमको सुरक्षा चाहिए। कल नगर निगम बंद रहेगा निश्चित रूप से, इस घटना के विरोध में कल पूरा निगम और समस्त कर्मचारी संगठन और कर्मचारी हमारे साथ हैं, कल हम नगर निगम बंद कर देंगे। आज भी एक ऐसी घटना हुई थी गढ़ा में भी घटना हुई है, परसों भी एक घटना हुई थी, इसके पहले अभी एक दिन और इंदिरा मार्केट में घटना हुई है, पथराव भी हुआ है, और इस समय निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश कि आप अतिक्रमण हटाइए, फ्लैक्स हटाइए, तो हमारा कर्मचारी करे क्या? निश्चित रूप से इस पे हम कार्रवाई चाहते हैं और कोई ठोस कार्रवाई हो, हमारे साथ निश्चित रूप से कुछ ऐसा बल होना चाहिए कि हमारे कर्मचारी की सुरक्षा हो, निश्चित रूप से हमारी ये मांग है। क्या वजह नहीं, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा टीम लीडर है अतिक्रमण दल का, और इन लोगों ने लगातार अभी कार्रवाई की है, चाहे मदन महल हो, चाहे शहर के यातायात अवरोधक अतिक्रमण हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो, उसी के तहत में अभी परसों के दिन माल गोदाम में भी इन लोगों ने अतिक्रमण हटाए थे सड़क मार्ग के, जहाँ की हमारी टीम के ऊपर पथराव हुआ था, और सूचना देने पर तत्काल TI सिविल लाइन, TI ओमजी वगैरह भी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे, जिसकी FIR दर्ज कराई थी। अभी आज अचानक शाम के समय रात्रि में हम लोग मेले में थे, तभी सूचना मिली कि जो हमारा दल प्रभारी राजू रैकवार है उस पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला किया, तो उसको विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया में जब उसको देखा तो पता चला कि कुछ लोगों ने मिलकर उसके गले पे चाकू से हमला किया है और उसकी स्थिति गंभीर है, तो रेफर करने पे उसको तत्काल जबलपुर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, और हमारे आयुक्त महोदय, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर सभी ने बोला है कि उसका त्वरित इलाज होगा, और जिनने भी ये जिनके नाम FIR में दर्ज थे और उन्हीं लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है, जो ये नाम ले रहे हैं, ये कौन चंदन मार्शल वगैरह हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब जो अतिक्रमण करके रखे थे, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ तो शासन प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, तीनों मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। अभी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक चाकूबाजी घटना हुई है, इसमें राजू रैकवार को चोट लगी है, वो अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है, इसमें गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन लोग हैं, किन लोगों के नाम? अभी जो नाम आए हैं उसके हिसाब से उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और हमारी टीमें गई हैं,
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। इसमें कोई पूर्व हत्या का आरोपी भी अभी हम ये वेरीफाई करेंगे, यदि होगा तो उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।